हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज हम बनाते हैं आलू टिक्की स्ट्रीट स्टाइल में। हाफ के जी आलू को बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसे छील लिया है। छील के सारे छिलके अच्छे से हटा लेना है और आलू को ठंडा होने देना। हम आलू को ग्रेटेड करेंगे, मैश नहीं करेंगे। ग्रेटेड करने से स्टार फॉर्मेशन अच्छा बनता है और जब हम इसमें मैदा कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसी तरह आपको जितनी भी आलू है सबको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। मैंने छोटी सी कटोरी से एक कटोरी भरकर कॉर्न स्टार्च लिया। आप 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं। और उसी कटोरी से मैंने मैदा लिया है। कॉर्न स्टार्च और मैदा का अमाउंट इक्वल होगा। अब इसमें कुछ मसाले मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैंने चाट मसाला 1/2 चम्मच मिक्स की है। अब उसके बाद हम मिक्स करेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी के बाद मैंने लाल मिर्च मिक्स किया है टेस्ट के अनुसार। उसके बाद मैंने गोल मिर्च मिक्स किया है 1/2 चम्मच। उसके बाद ग्रेटेड अदरक, काली नमक, वाइट नमक, टेस्ट के अनुसार ही आपको नमक डालना है। 4 हरी मिर्च को मैंने चॉप करके रख लिया था। टेस्ट के अनुसार आप मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया धनिया पत्ता, कोरिएंडर। आप मैंने 5 से 6 पत्ते लिए थे पुदीने के, और उस पुदीने के पत्ते को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट के अपने मिक्सचर में डाल लेंगे। आलू टिक्की का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हल्के हाथों से मिलाएंगे और धीरे धीरे मिलाने के बाद गोल बॉल तैयार करेंगे। आपको जितनी भी बॉल चाहिए आप उतनी बॉल बना सकते हैं। आलू टिक्की के सारे बॉल्स रेडी है। प्लेट पे एक बॉल को लेना है और हल्के हाथों से प्रेस करना है। प्रेस करने के लिए आप हाथ में पानी भी लगा सकते हैं। ऐसे करके आप अपने सारे बॉल्स की आलू टिक्की बना लें और थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दें। अब मैंने गैस ऑन किया है और तेल को गर्म होने दिया है। हम इसमें आलू टिक्की को फ्राई करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम आलू टिक्की को फ्रीज से निकाल लेते हैं जो हमने फ्रीज में रखा है। आलू टिक्की को फ्रीज में रखने से आलू टिक्की हमारा टाइट और क्रिस्पी बनता है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब 1 by 1 हम इसमें अपने आलू टिक्की को इसके अंदर डालेंगे। आप इसे कम तेल में तावा में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने कढ़ाई यूज़ किया है थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पीनेस के लिए। आप इसे छानने के बाद टिश्यू पेपर में निकाल लें जिससे सारा तेल निकल जाएगा। मैंने सारे अपने आलू टिक्की को डाल लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी रेडनेस आने तक। थोड़ी देर बाद आप इसे पलट देंगे। मैंने अब पलट दिया है और एक साइड थोड़ी रेड हो चुकी है। इसी तरह हम दोनों साइड को पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे पकाना है जिससे क्रिस्पी बने। हमारा आलू टिक्की बन के रेडी है। अब इसे 1 by 1 हम किसी भी बाउल में टिश्यू पेपर रख कर निकाल लेंगे। आलू टिक्की हमारा रेडी है। आप किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। मेरा आलू टिक्की रेडी है। रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। खाइए और बताइए। सामग्री इंग्रेडिएंट जो यूज़ हुआ है, छोटी कटोरी से मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। दूसरे नंबर पे है मैदा, सेम कटोरी के नाप से लिया है। ग्रेटेड धनिया पत्ता, चाट मसाला, हल्दी, लाल मिर्च गोलकी, ग्रेटेड अदरक, वाइट नमक, ब्लैक नमक, ग्रेटेड हरी मिर्च, पुदीना, आलू टिक्की के मसाले। लास्ट और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा बॉइल्ड आलू। आलू को हम ग्रेट करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।